अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की सिंपल और यूनिक क्विक रेडी होने वाली क्रीमी चीज़ी फिंगर ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पैन में हमने एक टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। इसके गर्म होने पर मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी प्याज जो कि मैंने बारीक काटा हुआ, अबाउट 4 टेबलस्पून, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी करना एक मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, वो भी 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इसको मैं साथ में डाल के मिक्स कर लूँगी। एक ही ग्रीन चिली दोनों डालेंगे साथ में, भी मिक्स कर लेंगे। एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, इनको अच्छी तरह से एक ग्रीन चिली भून के मैं डाल दूंगी 1 कप दूध। इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जिंजर का पाउडर, और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है आप इसमें जिंजर गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून पेस्ट। इसमें साथ ही मैं डाल दूंगी दूध, वो मैं लिया 1 कप। और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप चीज़, मोज़रेला चीज़, इसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। इसमें मैं डाल दूंगी 200 ग्राम चिकन जो कि मैंने ऑलरेडी बॉयल किया है, नमक और काली मिर्च डाल के, और इसको मैंने शेड कर लिया हुआ है। इसको मिक्स करते हैं और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि चीज़ में भी कुछ सॉल्ट होता है, और 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, और वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, वो भी 1/2 टीस्पून। और ये जो हमारी स्टफिंग है ये रेडी है। अब हम इसके कोल्ड डाउन होने का वेट करते हैं और साथ में हम ब्रेड रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी है, देखिए अब इसका कोल्ड डाउन होने का वेट करते हैं। मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हुए हैं, तो अब इसके हम जो क्रस्ट है वो काट लेते हैं, और हमने ये ज़ाया नहीं करने जो साइड से हमारे बचेंगे। अब हम इनको काट लेते हैं बिल्कुल सैंडविच की तरह। हमने सैंडविच ब्रेड ही यूज़ की है, और इसके बाद आप इसी के ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि ऑलरेडी बना के रखे हुए थे तो मैं वो यूज़ करूँगी। लेकिन जो ये साइड से उतरे हैं आप इनको चॉपर में डाल के इनके ब्रेड क्रम रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं, और इसकी अच्छी अमाउंट में अपनी फिलिंग करनी है ताकि आपको मज़ा भी आए कि चिकन भी इसमें डालो, चीज़ का भी टेस्ट आएगा, और आप इसको नाइसली फिल करें। दिस इज गुड अमाउंट। आप इसको एज अ सैंडविच भी खा सकते हैं, लेकिन जैसे हम बना रहे हैं चीज़ी फिंगर्स, हम फ्राई करने वाले हैं इसको,
ब्रेड के चीज़ी फिंगर बहुत ही मज़े की, और इसको मैं काटूंगी, मैं इसको काटूंगी 4 फिंगर्स में। जैसे मिडिल से काटा तो ये बिल्कुल सैंडविच बन गया। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम फिंगर्स बना रहे हैं तो इसको मैं 4 काट लूँगी, और इसी अमाउंट में मेरे बन जाएंगे 20। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 eggs लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ले लेंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं, अब हम मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जो हमने फिंगर्स रेडी की हैं ये देखें, बहुत अच्छी अमाउंट मैंने डाली है इसमें। और अब इसको हम करेंगे डिप, एग वॉश देंगे इसको, और इसको स्ट्रेट में हम दूसरे हाथ से इसको कर लेंगे कोट ब्रेड क्रम्स के साथ। इसको भी अच्छी तरह से कर लेंगे, और मैं बाकी आपको रेडी करके सारे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बाकी भी ब्रेड के फिंगर सारे रेडी कर लिए। आप इसी स्टेज पे आप इनको एयर टाइट कंटेनर में रखें, और इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 वीक तक। तो अभी मैंने ऑयल जो है वो ऑलरेडी मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, तो अभी ये हॉट है, तो अभी हम इसको फ्राई शुरू कर लें। गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और तब मैं इसकी साइड चेंज करती रहूँगी। देखिए जब मैंने सबसे पहले फिंगर डाली है तो बहुत मज़े की है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो ये दूसरे को भी हम कर लेते हैं। अभी हम सारों को कर लेते हैं, जो बाद में डाली वो भी उनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। फिर मैं सारे फ्राई करके इसकी सारी चेंज करके मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े के कलर आ गया। तो अब हम अपने ब्रेड का बंद करके निकाल लेते हैं, और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ब्रेड फिंगर्स को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही क्विक रेडी होते हैं, बच्चों के फेवरेट है, और लंच के लिए भी आइडियल है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।